हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विकास सर फ्रॉम एम्बिशन केयर इंस्टीट्यूट। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, है ना। और आज एक इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आया हूं, और ये इम्पोर्टेंट सेशन ये है कि बिहार बोर्ड 12th का इंग्लिश का ऑफिशियल जो आपका मॉडल पेपर है उसे जारी कर दिया है ना। बिल्कुल इसी आधार पर आपका फाइनल एग्जामिनेशन में आपके सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। तो आज मैं इस मॉडल सेट के जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन 100 ऑब्जेक्टिव को सारे के सारे क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो आप में से अगर कोई बच्चे पहली बार चैनल पे जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इसी चैनल पे पहली बार बच्चे आपको हर सब्जेक्ट का मॉडल सेट का सोल्यूशन जो है 1 से 2 दिन में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 एनुअल, ये एक मॉडल सेट है, ठीक है ना, क्लियर है। और ये आईएससी और आईकॉम का होगा, ठीक है। और अगली जो वीडियो लेंगे उसमें हम लोग आर्ट्स वाले को कर लेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे देखिए, ये पहली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी, है ना। पहली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस तरीके से दिख रही है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसे समझेंगे। क्वेश्चन है, यू मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल। अब देखो, जनरली आप जब लिखने की कुछ बात करोगे तो पक्का कुछ ना कुछ तो लिखोगे ना जी। तो यहां पर जो कुछ भी आप लिखोगे वो मिसिंग है, कोई इशू नहीं है। कहता है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। आवाज किधर से आएगी? प्रिंसिपल की तरफ से, ठीक है ना। तो आप देख लो पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है। तो मस्ट बी रिटन देख लो किधर है, मस्ट बी रिटन यहां है। आंसर क्या हो गया? बी नंबर हो गया। कहां हो गया? बी नंबर हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए कि द एंटोनिम ऑफ वैग्यू। ये जो वैग्यू है ना, वैग्यू का मतलब होता है अनक्लियर। क्या होता है? अनक्लियर। समथिंग विच इज अनक्लियर दैट इज कॉल्ड वैग्यू। तो वैग्यू का जो एंटोनिम होगा उसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा? तो अपोजिट मीनिंग हो जाएगा बी नंबर में क्लियर। क्लियर है बच्चे? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है कि दे सेड हाउ शिली ऑफ हिम। They said, how silly of him. इसको समझिए। तो they said, अब देखो, चूंकि exclamation mark है बच्चे, तो exclaimed ढूंढो, exclaimed C में है, answer C हो जाएगा। Question number 4 देखिएगा, question number 4 देखते हैं। तो question number 4 आपका screen पे इस तरीके से दिख रहा है कि I blank him 2 years ago. Choose the form of tenses. Choose the correct form of tenses. जैसे ही आपको ago दिखा, ago का मतलब past time और past time का मतलब second form. तो answer हो जाएगा A number. ठीक है? Question number 4 complete. Question number 5 देखिए। अब 5 नंबर क्वेश्चन है कि सम एक्ट्रेसेस आर ब्लैंक डांसर्स। मतलब कुछ अभिनेत्रियां हैं वो डांसर्स हैं। तो कैसी डांसर्स है आपको बताना है। कोटेसिस, जो कोटिसियस जो शब्द आया है, जो कोटियस शब्द आया है, इसका मतलब होता है शिष्टाचार वाला, जो विनम्र होते हैं। तो डांस में बच्चे विनम्र की कौन सी बात होती है? रिपीट का मतलब होता है बहुत तेज। तो क्या इंसान बहुत ज्यादा तेज तेज डांस करना शुरू कर देता है? ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर होगा क्या? ब्रिलियंट डांसर है, ठीक है ना। और डेंजरस खतरनाक होता नहीं मेरे बच्चे। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? तो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो देखो मैं बता दूं आपको कि सारे सब्जेक्ट्स का मॉडल पेपर हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसी चैनल पे 1 से 2 दिन में आपका सारा का सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो जितना संभव हो वीडियो को शेयर कर दीजिए, पूरे बिहार में फैला दीजिए इसे अपने सभी दोस्तों के पास। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ब्लैंक दे लीव नियर यू। ब्लैंक दे है ना, ब्लैंक दे लीव नियर यू। अब देखो यहां पर आया है दे, क्या दे के साथ कभी डर जाएगा? कभी नहीं। अब समझिए थोड़ा ध्यान से, अगर डे के साथ आर लगाना होगा तो आई एन जी नहीं है। अब देखो है तो थर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा? बी नंबर 2। तो 6 कवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 7 में चूज द करेक्ट सेंटेंस बताना है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब देखो, वी शॉ यहां सेकेंड फॉर्म है और यहां नेक्स्ट लगा हुआ है तो गलत हो गया, है ना। अब सो का मतलब होता है दिखाना। अब यस्टरडे, यहाँ यस्टरडे लगा हुआ है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, ये भी गलत हो गया, मैच नहीं कर रहा। फिर से सो वंडरफुल सो। अब देखो वी सो, तो भैया सो का यूज कभी भी, अब देखो यहां सो लिख रहा है वंडरफुल और फिर सो, ये भी बकवास हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो गया? तो डी नंबर हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि द बुक इन पार्ट्स ब्लैंक बोरिंग। अब देखो बुक के अनुसार हमें जरूरत है वर्ब की, और बुक के अनुसार वर्ब कौन आएगा? ई जाएगा। तो आंसर हो गया 8 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन आपका इस तरीके से है। 9 नंबर क्वेश्चन में आपका इस तरीके से देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन आपका यहां है कि यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशन ब्लैंक द मैरिज। कि आपने जो है मैरिज के लिए सारी की सारी प्रिपरेशन कर ले। याद रखना, कभी भी प्रिपेयर शब्द आएगा तो उसके बगल में 4 प्रीपोजिशन आएगा। आंसर क्या होगा? बी नंबर। प्रिपेयर शब्द के बगल में 4 आता है, अपियर के बगल में एट आता है, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, 10 नंबर क्वेश्चन है कि वेयर डिड ब्लैंक बाई दैट ड्रेस। अब देखो
यहां पर जो है ना चुनना है मुझे ऑप्शन। एक बात बताओ, खरीदने का काम कोई ना कोई करेगा, तो कोई ना कोई जो करे देगा वो सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। आई वुड अप्रिशिएट ब्लैंक फ्रॉम यू। अब देखो, अप्रिशिएट का मतलब होता है प्रेज करना, प्रशंसा करना, कि मैं प्रशंसा करूंगा। किसकी बात भी? जब सुनने की बात होगी। एक बात बताओ, क्या हम लोग सुनने से पहले प्रशंसा करेंगे, सुनने के बाद? और सुनने के बाद मतलब, कहने का मतलब होता है कि अगर आने वाला काम पहले ही हो चुका है उसके लिए जेरंड यूज करते हैं, इसलिए आंसर क्या होगा? डी नंबर। ठीक है, तो डी नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द बॉस ऑर्डर्ड टू फॉलो हिम। आंसर क्या होगा समझिए। अब देखो, अब फॉलो हिम, यहां पर देखो सबसे पहले द बॉस सेड। अब चूंकि ऑर्डर्ड है तो सेज खत्म, बिल से खत्म, ये खत्म। बच्चा कौन जी? ए नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताइए ट्रांसफर जो शब्द है वो कैसे लिखाता है? तो ट्रांसफर सब लिखाता है, ये ट्रांसफर लिखाता है, उसमें जब सेकंड फॉर्म बनती है तो दो आर हो जाता है। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? 13 का सी नंबर हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन में है ट्राई ब्लैंक विद व्हाट यू हैव। अब देखो, अगर हम देखा जाए तो ट्राई के ठीक बगल में क्रिएट नहीं दे सकते, क्योंकि दो भर आपस में कभी भिड़ती नहीं है। दो भर आपस में भिड़ेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्रिएट खत्म हो गया, अब ये प्रोड्यूस खत्म हो गया। अब है यहाँ टू मेक टू डू, ये दोनों दे सकते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर हम दोनों में कौन दे? तो याद रखना, यहां पर आंसर होगा आपका ए नंबर। क्योंकि देखो, मेक डू जो शब्द है ना, मेक डू ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है मैनेज करना। क्या होता है? मैनेज करना। इसका मतलब हो गया कि आप कोशिश करो जो तेरे पास है उसी से मैनेज करने की, जो आपके पास चीजें हैं ना उसी से मैनेज करने की कोशिश करो। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 14 भी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि आई ऑफन सफर फ्रॉम ब्लैंक बैकबोन। अब देखो, बैकबोन क्या है? एक बीमारी का नाम है। तो बीमारी मतलब जो शरीर का दर्द है ना, मतलब जो पीठ का दर्द है, मैं उससे सफर करता हूं। तो भैया, अरे पीठ का दर्द है तो इससे हम कभी भी है ना क्या करेंगे? आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, है ना, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, अगर कोई पार्टिकुलर केवल पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात होती तो हम वहां पर आर्टिकुलर देख लेते हैं। हाँ, बैक एक। अब बैकबोन अगर रहता मेरे बच्चे, बैकबोन रहता तो बैकबोन क्या है? ये पार्टिकुलर शरीर का पार्ट्स हो जाता, तो आर्टिकल दो दे सकते हैं। लेकिन ये बैक एक क्या हो गया? पीठ का दर्द हो गया। तो ये कहीं ना कहीं एक बीमारी है, बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता। आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? यू बाउट अ कार कॉमा ब्लैंक क्वेश्चन मार्क। अब देखो, ये क्वेश्चन टैग का ऑप्शन है। एक बात बताओ, यहाँ क्या है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म के लिए वर कभी नहीं आएगा, डोंट कभी नहीं आएगा, हैपेंड नहीं आएगा, आना क्या चाहिए? डिड नॉट। लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या डिड नॉट होना चाहिए? डिड नॉट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली ये ऑप्शन ही गलत है, आंसर होना चाहिए डिडंट यू। क्या होना चाहिए जी? डिडंट यू होना चाहिए। ठीक है ना, तो एक्चुअली इसमें ये जो ऑप्शन दिया गया है ना, वो ऑप्शन ही गलत है। तो देखो, कई बार होता है कि मॉडल सेट जब बोर्ड इशू करती है तो उसमें कई बार मिस प्रिंट हो जाता है, उसमें से एक ये भी शामिल है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 की बात करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है आई ईट राइस ब्लैंक बाय हैंड। तो मैं अपने हाथ से खाता हूं तो बीत हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन आई वांट अ ब्लैंक फॉर हायर स्टडीज। अब देखो, हायर स्टडीज के लिए मुझे जरूरत है किसका? लोनी का नहीं बेटे, लोन का नहीं, लोन का नहीं। आंसर होगा बी नंबर, लोन की। मुझे लोन चाहिए, ठीक है ना, पढ़ाई करने के लिए आगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। बताइए आंसर क्या होगा? चूज द करेक्ट सेंटेंस का आंसर क्या होगा? सॉरी, चूज द करेक्ट सेंटेंस, स्टेटमेंट को चुनिए। ही वाज स्टैंडिंग। ये यहां लिखा हुआ है। अब यहां पर लिखा हुआ है राइट फॉर, यहां लिखा हुआ है राइट ऑफ, यहां लिखा हुआ है राइट फ्रॉम ऑल, यहां लिखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। बाकी हर जगह गलत है, बाकी हर जगह गलत है। करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ, है ना। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, आप लोगों ने सुना होगा, ये क्वेश्चन है अस्टारिल। क्या है? अस्टारिल। जैसे यहां पर फर्टाइल लिखा हुआ है ना, उसी प्रकार से क्या है वो? अस्टारिल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? अस्टारिल लिखा हुआ है। उसको अस्टेरिल भी कुछ लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अस्टेरिल भी पढ़ते हैं या फिर अस्टारिल भी पढ़ते हैं। ठीक है, अस्टारिल, अस्टायरल, 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 अस्टायरल भी पढ़ सकते हैं उसे। ठीक है ना, तो ये जो फर्टाइल है, फर्टाइल, अस्टायरल का मतलब होता है बच्चे अनेबल टू प्रोड्यूस, मतलब जिसको आप कह सकते हैं ना अनउपजाऊ टाइप का, अनफर्टाइल उसका सिम्स होता है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डी नंबर, फर्टाइल। क्या हो जाएगा? डी नंबर, फर्टाइल। ठीक है ना, ऐसे भी देख लो, यहाँ आई एल ही है, यहाँ भी आई एल ही है, तो आंसर क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 डिड सी ब्लैंक। अब डिड सी ब्लैंक, अब देखो सी क्या है? एक वर्ब है, इसके बगल में मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट के रूप में डियर नहीं आता, अस आता है, दे नहीं आता, इज भी नहीं आता, इसलिए आंसर क्या होगा? 21 का ए हो गया। 22 देखिए, और 22 नंबर क्वेश्चन है कि आई ब्लैंक ब्लैक हेयर एंड बोरो आईज। अब देखो,
कि मेरी जो आंखें है ना वो क्या है, ब्लैक हेयर है और ब्राउन आईज है, तो वाज नहीं होगा, हैज नहीं होगा, इज नहीं होगा, क्योंकि आई के साथ वाज तो आ सकता है लेकिन यहाँ पर वाज हो ही नहीं सकता। आंसर क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, 23 देखिए, चूज द ओड वन आउट, मतलब क्या, ये जो नीचे चार ऑप्शन है ना इसमें जो सबसे अलग हो, जो सबसे डिफरेंट हो, उसका मतलब बताइए क्या होगा, वो कौन सा होना चाहिए। देखो तो ये जो सितार है, गिटार है और वायलिन है, ये सारे के सारे का यूज जो है ना हाथ से हाथ का यूज करके बजाई जाती है, लेकिन जब हम फ्लूट का बताते हैं तो फ्लूट हमें ओठ में लगा करके हमें बजाना पड़ता है, इसलिए ये सबसे अलग हो गया। आंसर हो जाएगा ए नंबर। 24 देखिए, कहता है चूज द करेक्ट वर्ड। अब इसमें करेक्ट वर्ड क्या है, कहता है जब बिना रूम इट टाइनीज, टाइनी टाइनी का मतलब होता है स्मॉल, उस हिसाब से देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर है ना, कि जब ये कमरा छोटा टाइनी होता है तो क्या होता है, तो स्मॉल ही है। अब थोड़ी ना है भैया कि छोटा कमरा जो हो वो हमेशा उसमें वो गर्म होगा, वो हमेशा ठंडा होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। वो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि वो कमरा कहाँ पर है, वो कमरा कहाँ पर है, ठीक है ना, अलाइट में वहां प्रकाश होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बचे, ठीक है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिचुएशन के हिसाब से ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन है, फॉर ब्लैंक इन्फॉर्मेशन गो टू द ऑफिस, कहता है ना कि अगर और आपको अब इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑफिस जाइए, तो फर्दर हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन वगैरह की बात करनी हो तो फर्दर का यूज करते हैं, और डिस्टेंस की बात करनी होता है तो फार्दर का यूज करते हैं, क्लियर है ना। आइए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 26 की, 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, और 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ है आपका, ही वॉन्टेड टू बाय ब्लैंक मैंगोज। अब देखो वो खरीदना चाहता है आम, मच के बगल में अनकाउंटेबल चाहिए, लिटिल के बगल में अनकाउंटेबल चाहिए, हाँ मैंगोज प्लूरल नाउन है तो खत्म, एनी के बगल में शुंगलर आता है, आंसर क्या हो गया, डी नंबर। आंसर क्या हो गया, डी नंबर, सम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, निष्ठा ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बट सी ब्लैंक नॉट। अब देखो ट्राइड क्या है, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऑफ ढूंढो, ये नहीं ये नहीं, और क्वेश्चन सॉल्व करने की बात बेटे पावर की होती है, माइंड पावर लगता है, पावर के लिए कुड करेंगे, कैन का सेकंड फॉर्म कुड। ठीक है, 27 क्लियर। 28 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28, और 28 नंबर क्वेश्चन यहां है, ही विल स्टे हियर ब्लैंक मंडे, वो यहां मंडे तक रुकेगा, आंसर क्या हो जाएगा, टिल, डी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, ओ नो ब्लैंक आई लेट फॉर द एग्जाम, ओ नो क्या मैं एग्जाम के लिए लेट हो गया, तो आंसर क्या है, आई के साथ आर कभी नहीं, इज कभी नहीं, इज नहीं, तो आंसर क्या होगा, एम, ए नंबर। 29 क्लियर। 30 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, 30 नंबर क्वेश्चन है कि आई शॉर्टन माई फ्रंट स्टेप आई लुकड अक्रॉस द स्ट्रीट। अब देखो यहां पर बताना क्या है, कंबाइन करना कह रहा है ना, कंबिनेशन क्या होगा बताइएगा, आई सैट ऑन लुकड ऑन माई, देखो यहां पर कह रहा है मैं अपने फ्रंट स्टॉप पे बैठा और स्ट्रीट को देखा, तो एक बात बताओ, तो सेट और देखा फ्रंट स्टॉप पे नहीं बेटा, तो ये गलत हो जाएगा, आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप एंड लुकड अक्रॉस द फील्ड, ये सही हो जाएगा। ठीक है, आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप टू लुकड, टू के बगल में कभी सेकेंड फॉर्म नहीं आता, इसलिए ये भी गलत। ठीक है, आई सेट ऑन लुकड ऑन माई फ्रंट स्टेप अक्रॉस द स्ट्रीट, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है मेरे बच्चे, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये देखा जाए तो ऊपर के जैसा ही तो है, जैसा ये स्टेटमेंट है वो भी तो स्टेटमेंट है, फर्क कितना है, यहाँ पर एडी अक्रॉस लिख दिया है, यहाँ पर कुछ नहीं है। क्या क्लियर है मेरे बच्चे, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग कवर कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, और 31 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कहता है वन हु लव्स वंस कंट्री, कि वे जो अपने कंट्री को प्यार करते हैं, तो जो अपने कंट्री को प्यार करते हैं ना वो देशभक्त होते हैं, देश प्रेमी होते हैं, और देश प्रेमी का मीनिंग होगा सी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन 32, यू कैन ब्लैंक वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, है ना। अब देखो डिक्शनरी में तुम शब्दों को क्या करोगे, ढूंढ सकते हो, तो ढूंढने का मीनिंग होगा लुक अप, क्योंकि लुक का मतलब होता है देखना। ठीक है, तो यू कैन लुक वर्ड्स नहीं, यू कैन लुक अप वर्ड्स, है ना, इन अ डिक्शनरी। ठीक है, ये हो जाएगा, लुक डाउन का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, लुक अप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन में है, टू ड्राइव होम। देखो टू ड्राइव होम का मतलब होता है टू इंपेसाइज समथिंग, टू इंपेसाइज समथिंग, किसी को क्या करना, तो आप कह सकते हो किसी को जोर डालना, किसी पे दबाव डालना, आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, हाँ करेक्ट स्पेलिंग बताइए, मतलब जो सर्वेंट शब्द है वो कैसे लिखाता है, तो सर्वेंट शब्द आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए, और 35 नंबर क्वेश्चन है, आई ट्राइड टू रिजॉल्व द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना इसमें एडजेक्टिव देखो, तो ये एडजेक्टिव नहीं है, ये नहीं है, ये नाउन के पहले आया कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स बी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, हार्डली हैड ही लेफ्ट ब्लैंक हिज ब्रदर्स केम, याद रखना अगर आगे हार्डली आ गया तो पीछे केवल वेन आएगा, कौन आएगा, वेन आएगा, तो इसका आंसर होगा क्या, वेन हो जाएगा।
विन हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है ना। अगर आगे हार्डली आ गया तो पीछे कौन आएगा, विन। हार्डली का जोड़ा कौन होता है, विन होता है। हार्डली का जोड़ा कौन होता है, विन होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, 37 नंबर क्वेश्चन है, वी शुड ब्लैंक द प्लेन नाउ। अब देखो बोट, बोट का मतलब होता है छोटा मोटा जो नाव होता है ना, छोटा मोटा जो सीप होता है उसको चलाना या फिर चलना। बोर का मतलब होता है कहीं पर छेद वगैरह करना, ये सेकेंड फॉर्म है तो आएगा नहीं, आंसर क्या होगा, बी नंबर, बोर्ड। और बोर्ड का मतलब होता है टू गेट ऑन एंड प्लेन, टू गेट ऑन सीप, ठीक है ना, मतलब चढ़ना उस पर, सवारी करना उसकी, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 38 में, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रेक्टिफाई। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब होता है टू मेक समथिंग करेक्ट, टू मेक समथिंग करेक्ट, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को शुद्ध करना, सही करना, ठीक है बच्चे, क्लियर है ना। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, और 39 नंबर क्वेश्चन में है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ सिंपैथेटिक, है ना, सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या होता है, सिंपैथी शब्द आपने सुना होगा, सिंपैथी का मतलब क्या होता है, दयालु होना, संवेदनशील होना, ठीक है। तो सिंपैथेटिक का उल्टा पूछ रहा है, तो उल्टा हो जाएगा इनसेंसिटिव, क्या हो जाएगा, इनसेंसिटिव हो जाएगा। देखो अगर केयरिंग की बात करूं तो केयरिंग भी मिला जुला कोई है, थाउटफिल भी मिला जुला कोई है, कंपैशनेट का मतलब भी वही होता है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है बेटे, किसी को हेल्प करना होता है कंपैशनेट, तो आंसर क्या हो जाएगा, 39 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। तो उम्मीद करता हूं यहां तक हुआ होगा क्लियर बेटा, 39 तक, ठीक है। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, योर फ्रेंड्स ब्लैंक फॉर यू एन आवर, फॉर यू फॉर एन आवर, आंसर क्या होगा बताइए। तो योर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मानेगा क्या, दे के साथ भीबन में कभी एस नहीं लगती, विल के साथ कभी आई एनजी नहीं आता, और वेटिंग कभी अकेले यूज नहीं होगी, तो आंसर क्या होगा, बी नंबर, वेटेड। लॉजिक है ना, कौन नहीं होगा उसको पहले हटा दो, जो होगा वो आंसर आपका हो जाएगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कि आई ब्लैंक वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट, मतलब क्या, मैं पूरे दोपहर में क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, अभी जस्ट ही मैंने खत्म किया है। तो पूरे दोपहर में क्या कर रहा था, काम ही कर रहा था, अभी अभी खत्म किया हूं, तो कर रहा था, तो अब देखा जाए अभी खत्म किया हो तो मतलब वो कर रहा था, या पूरा दोपहर से कर रहा हूं, नहीं और अभी खत्म हुआ, नहीं बेटे, तो कर रहा था अब खत्म हो चुकी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 41 नंबर में आंसर क्या होगा, 41 नंबर में देयर इज अ वॉल ब्लैंक द गार्डन, मतलब देखो जो बगीचा है ना उसमें गार्डन है, तो क्या कहोगे, बगीचा पर गार्डन है, नहीं उसमें नहीं, उसके आर पार नहीं, अराउंड हो जाएगा उसके चारों ओर, चारों ओर, देखो बगीचा जो है ना उसके चारों ओर क्या लगा दिया, एक फेंस टाइप का बना दिया गया, दीवार बना दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन माउंटेन्स, वे हैव, लोग हमेशा जो है अपना हॉलीडे जो माउंटेन्स में बिताते हैं। अब कौन सा माउंटेन्स है, अब क्योंकि प्लुरल नाउन है तो ए खत्म एन खत्म, बात रही द का, पार्टिकुलर रहता तो द लगाते, ये भी खत्म, आंसर क्या होगा, डी, नो आर्टिकल। 44 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, अब 44 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 44 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे थोड़ा ध्यान से। 44 नंबर क्वेश्चन में है, ही मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ, कहता है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। देखो अंडरलाइन तो कहने के लिए कह दिया, लेकिन यहां पर अंडरलाइन तो किया हुआ ही नहीं है, अंडरलाइन है आपका ये, मेड अ क्लीन ब्रेस्ट, और मेड अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब होता है कन्फेस समथिंग, है ना, कन्फेस समथिंग, किसी चीज को क्या करना, स्वीकार करना, या फिर कन्फेस वंस मिस्टेक, जैसे आप कोई गलती करते हो ना उसको क्या करना, एक्सेप्ट कर लेना, दैट इज कॉल्ड, तो कन्फेस्ड ऑनेस्टली, आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 45, वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बताइए आंसर क्या होगा। तो जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं उसे क्या कहते हैं, एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, एथिस्ट का मतलब क्या होता है, नास्तिक, और जो थीस्ट है उसका मतलब क्या होता है, आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास करते हैं। फानाटिक का मतलब होता है जिसको आप अंधभक्त कह सकते हो, कट्टरपंथी कह सकते हो, वो होता है उसका आंसर, ठीक है ना। लेकिन अगर हम हेरेटिक की बात करेंगे, हेरेटिक की बात करेंगे 45 में, हेरेटिक की बात करूंगा तो हेरेटिक में क्या है जी, हाँ हेरेटिक, हेरेटिक का मतलब होता है आप कह सकते हो, किधर गया जी, हेरेटिक का मतलब क्या देख लोगे, उसको देख लेना भाई, हेरेटिक का मतलब देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 46 नंबर की बात करूंगा, तो 46 है ना, हाँ देखो हेरेटिक का मतलब ऐसा होता है ना कि जिसको आप कहते हो कि जैसे एक वैसा व्यक्ति जो उसको रिलीजन रिलीजन में, मतलब क्या कह सकते हो उसको, क्या बोलोगे, जो भी धर्म होता है ना, मतलब आप कह सकते हो धर्म वगैरह में कोई खास यकीन नहीं रखता, उसकी बिलीफ जो है ना, मतलब उनकी जो धार्मिक विश्वास होते हैं वो हमेशा गलत ही होता है, उसे ही हम हेरेटिक कहते हैं। हेरेटिक क्या होता है, जिसका धार्मिक विश्वास गलत ही होता है, उसको विधर्म भी कह देते हैं हिंदी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिचुएशन को समझते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पे आ गया है,
अब क्वेश्चन नंबर 46 ये है, यस्टरडे आई ब्लैंक फिनिश माई जियोग्राफी प्रोजेक्ट। जैसे ही यस्टरडे आया, यस्टरडे का दिमाग तुरंत जाता है हमारे पास कहां, पास्ट में। अब पास्ट में हमें एक हेड दिख रहा है और तो ये खत्म हो गया, तो मतलब एक दिन पहले मुझे क्या है अपना जियोग्राफी प्रोजेक्ट को फिनिश करना था। यहाँ पर कहीं ना कहीं अनिवार्यता की बात दिखती है, कहीं ना कहीं अनिवार्यता की बात दिखती है। और जब अनिवार्यता की बात होती है ना, तो वहां पर मस्ट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। इसीलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, ठीक है। चलिए, ऐसे हैड टू भी सही है आपका, लेकिन आंसर अनिवार्यता है, इसीलिए ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 46 कवर हो चुका है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब 47 है कि ही ब्लैंक टू गो, है ना, ही ब्लैंक टू आगरा टुमारो। जैसी टुमारो आया तो सेल बिल, तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल गो। अब देखो यहाँ बिल तो यहाँ भी आया, लेकिन वेंट है, खत्म हो गया। ही के साथ सेल नहीं लगता, ठीक है, वेंट आएगा ही नहीं। नेक्स्ट 48 में, आई लाइक चाइनीज फूड ब्लैंक, माई हस्बैंड डज नॉट लाइक। अब देखो इन दोनों के उल्टा है, और अगर दोनों को उल्टा दिखाना होगा तो बट आ जाएगा, बट आ जाएगा। जैसे आप कहते हो ना कि मेरी माँ मेरे मुझे प्यार करती है लेकिन पप्पा नहीं करते, तो समझ आया ना आप लोग को। चलिए क्या बात है। तो 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होगा। 49 नंबर क्वेश्चन में है, 49 नंबर क्वेश्चन है, इट इज वेरी हॉट ब्लैंक आई कैन नॉट गो आउट। बहुत गर्मी है इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब है, अब देखो इट इज सो, नहीं गलत हो जाएगा, इट इज वेरी हॉट कैन आई गो इनटू क्वेश्चन ही नहीं, टू हॉट कभी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा जी? सी नंबर, इट इज टू हॉट फॉर मी टू गो आउट। ये रिमूवल ऑफ टू का क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ टू का क्वेश्चन है, आपको पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए कि बी ब्लैंक अ लॉट ऑफ वॉलंटियर वर्क। हम लोग जो है ना लॉट ऑफ वॉलंटियर वर्क करते हैं। क्या बी के साथ डूइंग आएगा? कभी नहीं। आर के साथ बी वन? कभी नहीं। बी के साथ डज आएगा? कभी नहीं। देखो डूइंग अकेले कभी नहीं आता, इसलिए आंसर क्या होगा? बी नंबर डू। देखो हमेशा जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना, तो सबसे पहले क्या आंसर होगा, इससे पहले आप ये पता लगा लो कि क्या आंसर नहीं होगा, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर आइए, तो ये हो गया हमारा 50 नंबर क्वेश्चन हो गया। 51 देखिएगा, और 51 नंबर क्वेश्चन आपका इस तरीके से है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें जो करेक्ट सेंटेंस है वो कौन है आपको बताना है। लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड सम पीस। देखो इंसान जब चर्च मंदिर वगैरह जाता है तो शांति प्रदान कर, शांति के लिए ही जाता है, तो कहीं ना कहीं वो मेन पर्पस दिखता है, और मेन पर्पस के सेंस में वहां पर आर्टिकल द नहीं लगता, तो ये द लगने की वजह से गलत हो गया, ठीक है ना। अब पीस टुकड़ा पाने थोड़ी ना जाता है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड दैट पीस, ये भी गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा जी? बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 52 का। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है क्वेश्चन एवरीबडी ब्लैंक लिविंग नाउ। अब देखो एवरीबडी के साथ एम कभी नहीं, आर कभी नहीं। अब क्या है, इज और वाज दोनों आ सकता है, लेकिन यहां लगा हुआ है नाउ, और नाउ बोले तो अभी, और अभी बोले तो इज, वाज कभी नहीं, ठीक है, मामला फिट है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। मतलब नीचे जो सेंटेंस लिखा गया है ये वाला, ये कौन सा सेंटेंस है? देखो अंत में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन दिख रहा है, तो एक्सक्लामेटरी हो जाएगा, क्लियर है, तो सी नंबर हो गया इसका आंसर। 54 देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं, ध्यान से समझिएगा कि द कंट्री लाइज ब्लैंक दोज माउंटेन्स दैट यू दैन योर कैन सी फ्रॉम हियर। देखो यहाँ जो योर है ना, ये भी मिस प्रिंट है, यहां पर होना चाहिए यू, क्या होना चाहिए? यू होना चाहिए, वो मिस प्रिंट है, बोर्ड से भी कभी कभी गलतियां होती है यार, यू कैन अंडरस्टैंड इट, समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो कहता है कि ये जो कंट्री है ना, वो पर्वत के पास है, वो पर्वत के, उन जो पर्वत जो दिख रही है यहां से आप जो देख लेते हो वहां के पास है। तो अब देखो यहाँ जो लाई है ना, तो मैं देखो बता देता हूँ, ये जो लाई जो है बच्चे, तो लाई बियॉन्ड नाम की एक फ्रेज होती है, लाई बियॉन्ड जो है ना, ये एक फ्रेज होता है, और इसका मतलब होता है बी लोकेटेड। क्या होता है? बी लोकेटेड, बी लोकेटेड मतलब कहीं पर स्थित होना, सिचुएटेड होना, ठीक है मेरे बच्चे। तो इसीलिए आंसर होगा आपका बी नंबर, ठीक है, कि ये जो जो कंट्री है वो उन पर्वतों के पास स्थित है, ठीक है। कंट्री का मतलब यहां पर गांव भी होता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 55 देखिए, दे आर प्राउड विनर्स। ये जो स्टेटमेंट है इसमें से एडजेक्टिव को पहचानो, तो दे प्रोनाउन है, आर वर्ब है, विनर्स नाउन है, एडजेक्टिव कौन हो गया? ए नंबर, प्राउड। नेक्स्ट, तो 55 कवर हो चुका है। 56 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, और 56 नंबर क्वेश्चन में है, डज अ मदर नॉट लव हर चाइल्ड, डज अ मदर नॉट लव हर चाइल्ड। अब इसका बनाना है आप लोग को असर्टिव, अजर्टिव बनाना है, इसका अजर्टिव क्या होगा? देखो तो इसका अजर्टिव देखा जाए बच्चे, तो इसका अजर्टिव क्या हो जाएगा? ए मदर लव्स हर चाइल्ड नॉट, नॉट कभी अंत में नहीं आएगा, ये गलत हो गया, ठीक है। आगे देखो, लव से कभी शुरुआत नहीं होती, आंसर क्या होगा? बी नंबर, ठीक है। चलिए तो 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? नोबडी शुड ब्लैंक ऑन द पुअर। अब देखो हमें क्या नहीं करना चाहिए, देखो लुक ओवर का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करते हैं बेटा लुक ओवर, तो लुक ओवर का मीनिंग होता है किसी चीज को एग्जामिन करना, क्या करना? एग्जामिन करना, मतलब जांच पड़ताल करना, आप ये कह सकते हो, ठीक है ना, ये होता है एग्जामिन। अगर मैं लुक एट की बात करूं, तो लुक एट का मतलब होता है टू थिंक समथिंग,
क्या होता है, थिंक समथिंग, तो ये हो गया है ना। अब कहता है लुक ऑन, लुक ऑन का मीनिंग होता है आप कह सकते हो कहीं पे कुछ देखना। लुक ऑन का मतलब क्या होता है, टू वॉच समथिंग, क्या होता है, टू वॉच समथिंग, टू वॉच समथिंग, ठीक है। अब समझिए थोड़ा ध्यान से, तो क्या कहोगे भैया कि किसी को भी गरीब को एग्जामिन नहीं करना चाहिए, बकवास हो जाएगा, उनके बारे में कुछ सोचना ये भी बकवास है। यहां पर करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। और लुक डाउन का मतलब होता है ना किसी को सप्रेस करना, सताना, लुक डाउन ऑन, ये है। लुक डाउन ऑन का मतलब होता है नीचा दिखाना, क्या होता है, नीचा दिखाना आप कह सकते हो, या फिर इनको ऑप्रेस करना, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑप्रेस करना, उनको सताना, परेशान करना, तो हमें किसी को नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो 57 क्लियर हो गया। 58 में पढ़िए कि ब्लैंक आर्टिकल ही इज रीडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब कि जो आर्टिकल वो पढ़ रहा है वो इंटरेस्टिंग है। तो कौन इंटरेस्टिंग है, जो पढ़ रहा है, मतलब स्पेशल है तो आर्टिकल द, स्पेशल है तो आर्टिकल द, यहां जो आर्टिकल है ना जैसे कोई टॉपिक होती है ना जैसे उसी के बारे में बातचीत हो रही है, ठीक है। 59 में देखिएगा, और 59 क्वेश्चन ये है कि यूज ए मास्क, यूज मास्क एज अ प्रिकॉशन। अब देखो कहता है ना प्रिकॉशन के रूप में आप क्या करो, मास्क पहनो। जैसे देखो अभी कोरोना आया था, वही क्वेश्चन भी है, ब्लैंक कोरोना वायरस, तो एक बात बताओ, तो कोरोना वायरस के लिए, कोरोना वायरस से या कोरोना वायरस टू नहीं बटे, उसके विरुद्ध, अगेंस्ट चलोगे तब तो काम करेगा ना भाई, उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। जैसे जिससे कोरोना फैल रही है उसके अगेंस्ट काम करोगे तभी तो रुकेगा ना वो, तो आप क्या करो मास्क पहन लो, आएगा ही नहीं, मामला फिट है ना, क्या बात है भाई। चलो आ जाओ 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। दीज डेज राम ब्लैंक हिज होमवर्क क्वाइट ऑफन। अब देखो क्वाइट ऑफन का मतलब क्या होता है, क्वाइट ऑफन का मतलब होता है आमतौर पे, ठीक है। अब समझिए, फॉरगोटन कभी अकेले नहीं आएगा, दीज डेज आ गया बेटा तो कभी फॉरगोट नहीं आएगा, राम के साथ भीवन कभी यूज नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा, डी नंबर फॉरगेट्स, क्या हो जाएगा, डी नंबर फॉरगेट्स, क्लियर है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, और 61 से पहले इंस्ट्रक्शन लिखा है कि क्वेश्चन फ्रॉम 61 टू 100 आर बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट, मतलब क्या, जो आपका लिटरेचर का क्वेश्चन है ना वहां से है 61 से। अब देखो क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन इज, इंडियन सिविलाइजेशन क्या है भाई, तो इंडियन सिविलाइजेशन इस पर में विश्वास रखता है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन 62 पढ़िए, और 62 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी वाज नॉट ब्लैंक ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ द वेस्ट, मतलब जो महात्मा गांधी है ना वो वेस्टर्न की जो बेस्ट कंट्री है उसकी जो मटेरियल प्रोग्रेस है उससे क्या थे, प्लीज थे, कभी नहीं, प्लीज के बाद वो फाता भी नहीं है, क्रिटिकल भी नहीं होगा, कंटेम्पचुअस का मतलब होता है घृणा करना, वो घृणा नहीं करते थे, एनॉर्मेंट का मतलब होता है मेरे बेटे आकर्षित होना, अट्रैक्ट, क्या कह सकते हो, अट्रैक्ट, तो अट्रैक्टेड, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी जो है ना वेस्टर्न की जो मटेरियल प्रोग्रेस है उससे कभी आकर्षित नहीं होते थे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। 63 पढ़ो, ए पिंच ऑफ स्नप क्या है, ए पिंच ऑफ स्नप एक शॉर्ट स्टोरी है, आंसर ए कंप्लीट। चलिए आइए 64 में, 64 क्या कहता है, कहता है इफ अमेरिका बिकम्स अ ग्रेट नेशन इट मस्ट नॉट ओवरलुक द प्रॉब्लम्स ऑफ ब्लैंक। देखो यहां जो ओवरलुक शब्द आया, इस ओवरलुक का मतलब होता है इग्नोर करना, इग्नोर। अब समझिए थोड़ा ध्यान से कि अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो उस, तो अमेरिका को किसकी प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो निग्रोज की, छी नंबर, ठीक है। 65 बर्ट्रांड रसल वाज अ फिलोसोफर एंड ब्लैंक, बर्ट्रांड रसल एक फिलोसोफर थे और क्या थे, मैथमेटिशियन भी थे, हिस्टोरियन भी थे, ठीक है। आइए 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा ध्यान से, 66 नंबर क्वेश्चन, तो 66 नंबर क्वेश्चन में द टीचर हु काउट सेबी पेइंग प्लेइंग विद गॉड, जो टीचर ने सेबी को पकड़ा था क्या से, कद्दू के साथ खेलते हुए, क्या किया था उन्होंने, क्या उसकी प्रशंसा किया था, नहीं, उसको इनाम दिया था, नहीं, क्या किया था, डीअप्रिसिएट, डीअप्रिसिएट का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, तो ऐसा भी नहीं, उसको सजा दिया था, है ना, सजा क्या दिया था, समझाता हूं, उसने क्या किया था, उसके कद्दू को छीन लिया था, उसके पेरेंट्स को कंप्लेन किया था, ठीक है। तो आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो डिप्रिसिएट है ना, डेप्रिसिएट जो शब्द यहां पर आया मेरे बच्चे, जो डेप्रिसिएट शब्द आया, इस डेप्रिसिएट का मतलब होता है बिकम वैल्यूड, जैसे देखते हो ना महत्वहीन हो जाना, तो वो होता है डिप्रिसिएट का मतलब, ठीक है। तो 66 कंप्लीट हो गया, 67 देखिए, और 67 नंबर क्वेश्चन आपका इस तरीके से है, इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय द, लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, तो बांग्लादेश में बच्चों की देखभाल पूरे फैमिली के द्वारा की जाती है, तो आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आया है अ चाइल्ड इज बॉर्न, जो जर्मन ग्रीर के द्वारा लिखी गई है वहां से, ठीक है ना। चलिए क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 68, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स, तो बी नंबर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन 69 देखिए, बेंजिस हेम्स वर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ ब्लैंक एग्स ए वीक,
मतलब बेंजी की जो मुर्गियां थी वो एक सप्ताह में लगभग कितना अंडा दे रही थी, तो एवरेज लगभग 200। तो बी नंबर क्वेश्चन नंबर 70, इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, इंडिया जो है ना बैकग्राउंड का एक पार्ट रहा है, तो किसके बैकग्राउंड का, तो आंसर हो जाएगा परलेस बैकग्राउंड, परलेस बक्स लाइफ बैकग्राउंड, ठीक है ना। चलिए तो आंसर हो जाएगा 71 में, नतालिया इज द डॉटर ऑफ, नतालिया जो है बेटी किसकी है, तो चुबुकोव की है, तो ए नंबर हो गया, ठीक है। तो 71 कंप्लीट हो गया। 72 नंबर क्वेश्चन, ब्लैंक इज एवर प्रेजेंट इन इंडिया, इंडिया में प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है भैया, तो नफरत, डर, जिलस नहीं भैया, धर्म, रिलीजन प्रेजेंट है, ठीक है। 73, शेविश मदर वाज ब्लैंक विथ हिम, शेवी की माँ जो है उससे थी, क्या थी भैया बताओ, तो गुस्सा थी, नाराज थी, क्यों क्यों ना हो भाई, अब टीचर कंप्लेन करे तो मम्मी पापा नाराज नहीं होंगे क्या, अब खुश होंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए यहां है, द ब्लैंक ऑफ फ्यू वुमेन रेज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड ओवर द हमिंग एंड थ्रोबिंग ऑफ पावर मशीन्स, मतलब क्या, जब महिला लोग, कुछ महिला की जो है ना उनकी जब आवाज उठती है ना बेटे, तो ये मशीन की गनगनाहट और सनसनाहट में सुनाई नहीं देती। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, वॉइसेस। 75 पढ़िए कि वेंजी शोड नो साइंस ऑफ ब्लैंक व्हाइल ड्राइविंग अवे हिज पेरेंट, देखो ये वेंजी जब अपनी मम्मी पापा को अपने घर से निकाल करके उसके उन्हें कहीं छोड़ने के लिए जा रहा था ना, तो उस समय किसी प्रकार का उसने नॉर्मल इमोशन नहीं दिखाया था, तो आंसर क्या होगा, ए नंबर। तो 75 भी कवर हो गया। 76 देखिए, 76 नंबर क्वेश्चन है कि द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स, क्या क्रूएल, देखो ये जो रेडनेस ऑफ फायर है ये क्वेश्चन लिया गया है फायर हिम नाम की पोएम जो कि केकेएन दारूवाला से लिखी गई थी, लिखी उनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, हु कंपोज्ड सॉन्ग ऑफ माय सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माय सेल्फ के रचयिता कौन है, तो इनके रचयिता है वाल्ट विटमैन जो कि एक अमेरिकन पोएट थे, क्या थे, अमेरिकन पोएट थे, ठीक है मेरे बच्चे। चलो आगे बढ़िए, 78 नंबर क्वेश्चन देखिए थोड़ा ध्यान से, 78 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। 78 में क्या है, नर्सेस इन द पोएम नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट स्टैंड्स फॉर, देखो नर्सेस जो है ना नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में ये क्या है, तो देखो समझाता हूं, फ्रूट नहीं है, वर्ड नहीं है, अब बचा एक प्लांट और एक ट्री, देखो तो नर्स जो है ना बड़ा पेड़ को हम ट्री कहते हैं और छोटे छोटे पौधों को हम क्या, आप लोगों ने सुना होगा नर्सरी, तो नर्सरी में देखते हो ना छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, प्लांट। तो 78 कवर हो चुका है। 79 नंबर क्वेश्चन पढ़ो कि ओड टू ऑटम एग्जीबिट्स द प्रिंसिपल ऑफ ब्लैंक इन नेचर, एग्जीबिट का मतलब होता है डिस्प्ले करना, दिखाना, शो ऑफ करना, ठीक है, तो क्या दिखाती है, तो नेचर की ब्यूटी की सिद्धांत दिखाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन, एन एपिटाफ डील्स विद अ ब्यूटीफुल गर्ल, नहीं बेबी, नहीं पप्पी, नहीं बिलेडी, आंसर हो जाएगा लेडी, और वो लेडी कहां की, तो वेस्टर्न कंट्री की, कहां की, वेस्टर्न कंट्री की, और ये जो एन एपिटाफ, ये पोएम लिखा गया है वाल्टर डीला मेयर के द्वारा, वाल्टर डीला मेयर के द्वारा, ठीक है ना। 81 देखिए कि द सोल्जर इज ब्लैंक, सोल्जर क्या है, तो सोल्जर एक सोनेट है, सोनेट क्या होता है बच्चा, तो सोनेट होता है 14 लाइन की एक पोएम, 14 लाइंस पोएम होता है ना, 14 लाइन की पोएम होती है जिसमें दो स्टैंजा होता है, पहली 8 लाइन की और दूसरी 6 लाइन की, पहला जो 8 लाइन होता है उसे ऑक्टेव कहते हैं, दूसरा जो 6 लाइन होता है उसे सेस्टेट कहते हैं, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा, 82 नंबर क्वेश्चन में है कि मैकैप्टी इज अ कैट, मैकैप्टी कैसी बिल्ली थी, तो मिस्टी बिल्ली थी, रहस्यमयी बिल्ली थी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, और 83 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि द टर्म जोरास्ट्रियन इन फायर हिम स्टैंड्स फॉर, जोरास्ट्रियन का मतलब क्या होता है, तो जोरास्ट्रियन का मतलब होता है पारसी, जोरास्ट्रियन का मतलब क्या होता है जी, पारसी होता है, ठीक है ना। आइए 84 की बात करेंगे, किसकी, 84 की बात करेंगे, अ किंग इन एग्जाइल इन द पोएम स्नैक स्टैंड्स फॉर, अब देखो अ किंग इन एग्जाइल का मतलब होता है, अ किंग इन एग्जाइल का मतलब ये होता है एक वैसा राजा जो अनक्राउंड है, मतलब अब उसके पास ताजबाज नहीं है, तो किसके लिए आया है, तो स्नैक के लिए आया है, ठीक है। 85 देखो, द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज प्राउड ऑफ, जो माई ग्रैंड मदर्स हाउस की जो स्पीकर है, नाम क्या उनका, कमला दास, तो कमला दास प्राउड करती है किन पे, तो अपनी दादी के घर पे, तो आंसर होगा बी नंबर, आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, ठीक है। 86 देखिए, और 86 नंबर क्वेश्चन आपका इस तरीके से है, द पोएट हैड गॉन टू द वाटर, वाटर ट्रॉप ऑन अ ब्लैंक डे, कैसा दिन था जी, तो हॉट दिन था, ठीक है। 87, मैकैप्टी इज द बैफलमेंट ऑफ, तो मैकैप्टी जो है ना वो बैफलमेंट था स्कॉटलैंड यार्ड का, और स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब होता है हेड क्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस, क्या होता है, हेड क्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस, क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 88, द थीम ऑफ द पोएम एन एपिटापिच, मतलब एन एपिटाप का जो, एन एपिटाप नाम की जो पोएम है जो लिखा गया है वाल्टर डीला मेयर के द्वारा, उसका मेन थीम क्या है, तो उनका मेन थीम है मेलनकोलिक, और मेलनकोलिक का मतलब होता है सैडनेस, क्या होता है जी, सैडनेस, ठीक है ना। चलिए तो 88 कंप्लीट हो गया। 89 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
और 89 नंबर क्वेश्चन में है कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ऑडेन द ब्लैंक हैज बिकम डम्ब टू सी द लाइफलेस ट्रीज जब लीफलेस ट्रीज को देखा था तो कौन गूंगा हो गया है डब्ल्यू एच ऑडेन के अनुसार, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर नाइटिंगल। 90 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 90 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और 90 नंबर क्वेश्चन है द स्कॉलर जिप्सी को किन्होंने लिखा है, तो स्कॉलर जिप्सी के रचयिता है मैथ्यू आर्नल्ड, कौन है मैथ्यू आर्नल्ड, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 91 में, हु रोट एंडिमियन, एंडिमियन के रचयिता है बेटा जॉन किट्स, एंडिमियन के रचयिता कौन है जॉन किट्स, ठीक है। ओड टू ऑटम जो कविता है ना उसी में पढ़ोगे तो आपको नीचे मिल जाएगा एंडिमियन करके। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 92, 18th सेंचुरी इज नोन एज, 18th सेंचुरी को कहा जाता है अगस्टन एज, अगस्टन एज, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। ये सारे के सारे जो अभी क्वेश्चन है ना ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये आमतौर पर पढ़ाई नहीं जाती बच्चे, इसकी बहुत ही जल्द मैं रेगुलर क्लासेस लेकर आ रहा हूं, ठीक है। ये शायद पहली बार होगा कि यूट्यूब पे आपको दिखेगी स्टोरी ऑफ इंग्लिश के सारे वीडियो दिखेंगे, इट्स माई प्रॉमिस, ये प्रॉमिस है मेरा, ठीक है। चलिए आइए, मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में जो सबसे बड़ा लिंग्विस्टिक चेंज हुआ था, जो लैंग्वेज में परिवर्तन हुई थी वो क्या हुआ था, तो द ग्रेट बॉबल शिफ्ट हुआ था, क्या हुआ था द ग्रेट बॉबल शिफ्ट, ये चेंज हुआ था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 94, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो ये इनफ्लेक्शन, इनफ्लेक्शन क्या होती है वो समझाता हूं, ध्यान से थोड़ा समझिएगा, जो इनफ्लेक्शन शब्द होता है बच्चे उसको ध्यान से समझेंगे, इसका मतलब होता है अ चेंज, लिख लेंगे अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, है ना, मतलब वर्ड के रूप में परिवर्तन, वर्ड के रूप में परिवर्तन। जैसे देखो मान लो मैं बताता हूं कलर, सी ओ एल ओ यू आर हम लोग लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर में देखोगे तो सी ओ एल ओ आर लिखेगा, तो एक अमेरिकन इंग्लिश है एक ब्रिटिश इंग्लिश है, ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 95 में, तो 95 नंबर क्वेश्चन है गोल्ड स्मिथ एंड सेरिडन, गोल्ड स्मिथ का पूरा नाम है ओलिवर गोल्ड स्मिथ, ओलिवर गोल्ड स्मिथ और रिचर्ड सेरिडन, इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था, तो कहां कंट्रीब्यूशन दिया था, तो उन्होंने इंग्लिश स्टेज को, आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। 96 पढ़िए, हु रोट हकलबेरी फिन, ये जो हकलबेरी फिन है इनके रचयिता कौन है, तो इनके रचयिता है मार्क ट्वेन करके, कौन है मार्क ट्वेन, तो 96 का आंसर हो गया डी नंबर, क्या हो गया बच्चे डी नंबर। 97 देखिए, और 97 नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक हेल्प्ड इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश, चलिए ये जो क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, इसका कमेंट में आप सभी लोग आंसर बताइएगा मुझे कि द ब्लैंक हेल्प्ड इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से महाकाव्य है, ये देखो सारे के सारे क्या है ना ये एक महाकाव्य है, बाइबल महाभारत कुरान और रामायण, तो कौन सा महाकाव्य है जो इंग्लिश को सिंप्लीफाई करने में उसकी हेल्प किया था, ठीक है ना, आपको ये बताना है, ये कॉमेंट में आप सभी का आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, हु रोट मैकबेथ एंड जूलियस सीजर, तो जूलियस सीजर और मैकबेथ के रचयिता कौन है, तो शेक्सपियर जी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए वर्ड, जो ड्रामा शब्द है वो कौन से वर्ड से आया है, तो ग्रीक वर्ड से आया है, तो आंसर होगा डी नंबर। अब 100 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होगा जी, और 100 नंबर क्वेश्चन है तुगलक, तुगलक के रचयिता कौन है, तो इनके रचयिता है ग्रीस कर्नाड, आंसर क्या होगा ग्रीस कर्नाड, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए बच्चे तो एक बार फिर से हमने 100 के 100 क्वेश्चन निपटा लिए, ठीक है, 100 के 100 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए बच्चे, 100 के 100 क्वेश्चन जो भी आपका मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन थे उन्होंने उसे हमने सारा का सारा कर लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चे कि आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। आपको क्या करना है कि पूरे बिहार में इस वीडियो को फैला देना है ताकि बिहार के सारे स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिले, ठीक है ना, पूरे बिहार में इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि सभी को इसका फायदा मिले, ठीक है। तो कीप वॉचिंग द वीडियोज एंड शेयरिंग इट अमंग योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू, बाय बाय।